भारत जोड़ो न्याय यात्रा तीसरे दिन नागालैंड के कोहिमा पहुंची, जहां कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा विचारधारा की यात्रा है। इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा और जीतेगा। पिछले साल हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले, इसके बाद काफी लोगों ने हमें कहा कि पूर्व से पश्चिम तक भी यात्रा करनी चाहिए। मणिपुर से ये यात्रा शुरू हुई। मणिपुर के साथ काफी अन्याय हुआ है, महीनों से हिंसा चल रही, लेकिन यहाँ बीजेपी नहीं पहुंची। मणिपुर के बाद हम नागालैंड गए, यहां भी प्रधानमंत्री ने नागालैंड के लोगों से एक वादा किया था, लेकिन उसे भी पूरा नहीं किया। आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। पिछले साल हमारी भारत जोड़ो यात्रा थी, कन्याकुमारी से हम कश्मीर चले और काफी इम्पैक्टफुल ऐतिहासिक यात्रा रही। उसके बाद काफी लोगों ने हमें कहा कि कन्याकुमारी से कश्मीर अगर यात्रा की है तो वेस्ट से ईस्ट या ईस्ट से वेस्ट भी होनी चाहिए, और काफी सजेशंस आए। तो एंड में कांग्रेस पार्टी ने डिसीजन लिया कि हमें ईस्ट से वेस्ट यात्रा करनी चाहिए। ये यात्रा न्याय यात्रा है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। इसका लक्ष्य सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय का है, मुद्दे उठाने का है। मणिपुर में हमने ये यात्रा शुरू की। इसके पीछे सोच थी, क्योंकि मणिपुर के साथ बहुत भारी अन्याय हुआ है। पहली बार हिंदुस्तान की स्टेट में महीनों के लिए हिंसा चल रही है और प्रधानमंत्री जी, बीजेपी के लोग वहां गए तक नहीं है। मणिपुर के बाद हम नागालैंड से निकले, यहां भी एक कमिटमेंट किया गया था। प्रधानमंत्री ने नागालैंड के लोगों से कमिटमेंट किया था, उस कमिटमेंट को भी पूरा नहीं किया गया जो अग्रीमेंट था। तो ये यात्रा महाराष्ट्र तक जाएगी। एक इशू है, मैं चाहता था कि पैदल यात्रा हो, मगर वो थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाता, टाइम नहीं था। तो ये हाइब्रिड यात्रा है, मगर हमारी कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा टाइम हम जहां भी पैदल चल सकें हम पैदल चलें। आपके सवाल हो या अंग्रेजी में बोल दो, शुड आई से इट? भारत जोड़ो न्याय यात्रा है वो विचारधारा की यात्रा है। इंडिया अलायंस चुनाव लड़ेगा, अच्छी तरह चुनाव लड़ेगा और चुनाव जीतेगा। ये इस यात्रा का लक्ष्य, जो न्याय का सवाल है, उसको जनता के सामने रखने का है। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, उसमें बहुत सारे इश्यूज हैं। कास्ट सेंसस का इश्यू है, जैसे यहां पे नागालैंड में अभी बातचीत हुई कि यहां पे वायदे किए गए थे, वो वायदे तोड़े गए हैं। मणिपुर में आपको दिख रहा है क्या हुआ है। तो इन मुद्दों को उठाने की यात्रा है, विचारधारा की यात्रा है। इलेक्शन कैंपेन होगा।